तो चलिए चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार। आज सुबह के समय देखिए मुकाबला थोड़ा देर से हुआ, लेकिन चार ओवर का मुकाबला है। मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे। पहला ओवर और जहीर भाई पहले ओवर में चाहेंगे बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन हासिल करने का। और ये देखिए यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर ने यहाँ पर आसानी के साथ टाइमिंग नहीं हुआ गेंद पर और पहला विकेट मिलता हुआ। सुबह के समय विकेट बेहतर खेलता हुआ जहीर भाई, लेकिन क्या कहना चाहोगे जहीर भाई जिस तरह के पर पहला विकेट गिरना और खास करके मैंडेटरी पावर प्ले में? तो बाबू शाह इस ग्राउंड के ऊपर रन काफ़ी अच्छे बनते हैं, टिक कर खेलना चाहिए बल्लेबाजों ने। सीबीडी टीम थोड़ा लेट भी हुई, उसका भी थोड़ा भुगतान उन्हें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जो विकेट का मिजाज है उसे समझ नहीं पाए। अब दो गेंदें हो चुकी है, एक भी रन नहीं और एक विकेट गिर चुका है। कहीं ना कहीं इस ग्राउंड के ऊपर कम से कम 30-35 रनों का टारगेट रखना ज़रूरी है अगर ये मुकाबला जीतना है सीबीडी टीम को। तो जहीर खान अगले मुकाबला जो है उस टीम को आपको फ़ोन करना है, क्योंकि जिस तरीके से 12 टीमें यहाँ पर हैं, दोनों टीमें अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रही है। अगला होने वाला मुकाबला पनवेल और ओवी के बीच में होगा। तो निश्चित रूप से जहीर भाई अगला मुकाबला सबके नजरों में होगा पूरी तरह से। अगले मैच में उस्मान पटेल भी देखने को मिलेंगे रत्नागिरी से, मैन ऑफ द सीरीज बने और उसके साथ साथ आज इस मैदान के ऊपर फिर से एक बार उनका बल्लेबाजी देखने को मिलेगा। हमेशा आप देखिए जहीर भाई जहां भी क्रिकेट हो और यूट्यूब के माध्यम से देखिए लाइव चैट पर हमेशा हम देखते हैं कॉमेडी आता है कि उस्मान भाई का मैच कभी है, इतना लोकप्रिय खिलाड़ी हमेशा उनके बारे में ज्यादा जिक्र चर्चा। लेकिन इस मुकाबला की बात करेंगे देखिए ऑन द स्ट्राइक धोनी, नाम तो बड़ा कमाल का है लेकिन काम कुछ कमाल का करना होगा। ये देखिए अमूल धोनी आउट हो चुके हैं अमूल स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन बाबू शाह सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, वो जीरो है। उसको कहीं ना कहीं जीरो से आगे निकलना होगा इन बल्लेबाजों को, जब कहीं जाकर आप जो लक्ष्य है उसे रख सकते हैं। अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, पांच गेंदे हो चुकी है, देखना है पहला मेडन ओवर होता है कि नहीं। और यहां पर जहीर खान ट्रॉफी का पहला ओवर मेडन, पहली मैच में पहली इनिंग में जबरदस्त गेंदबाजी, गेंदबाज उमर अच्छी गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी, लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी, और किसी भी तरीके के बल्लेबाज को रन बनाने का मौका नहीं दिया इस गेंदबाज उमर ने। क्या शुरुआत है बाबू शाह? निश्चित रूप से जहीर जी आपकी बातों से वाकिफ हूँ, लेकिन हम हाफ ओपन हो पूरी ओपन मुकाबला की बात करेंगे ना, ज्यादातर हम देखते हैं उसमें गेंदबाजी हावी होते हैं और बल्लेबाजी ऐसा कम उन्हें मौका मिलता है हावी होने के ऊपर गेंदबाज के ऊपर। और वही चीज देखिए आज इस मैदान के ऊपर देखने को मिलता हुआ, विकेट बड़ा बेहतर है, ऐसा नहीं बल्लेबाज के लिए आसान है, लेकिन सुबह के समय है और पहला मुकाबला है जो विकेट का तैयार किया गया है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और मदद मिला यहाँ पर उमर को, सटीक लाइन लेन पकड़ के गेंदबाजी किए उन्होंने और जिसका फायदा पूरी तरह से मिला यहाँ पर मैडन उमर पहला इस मैच का WTC के माध्यम से RCC 11 CBD के। देखिए जिलानी पटेल को भी लिया गया है प्ले 11 पर, क्योंकि ये तो हाफ ओपन का यही फायदा रहता है, खिलाड़ी कहाँ से भी लो कहीं से लो। और ये देखिए हुक किया, हमें नहीं बात बताया कि विकेट बड़ा बेहतर है, नजरें रखे आखिरी समय तक गेंद को और शॉर्ट ऑफ पुल की और शॉर्ट लेग के ऊपर से खिला गया गेंद, लॉन्ग लेग फाइन लेग के बीच से चार रन आता हुआ। जहीर भाई चौके के साथ अकाउंट खोलता हुआ, लेकिन इस ओवर को काफी लंबा बनाना होगा अगर पिछले ओवर को देखा जाए तो, अगर जिस तरह से पिछले ओवर में कोई रन नहीं। और गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज इरफान बिल्कुल उसी तरह के लंबे गेंदबाज मोहम्मद इरफान से जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं काफी मैच, तो यहाँ पर इरफान पठान हिंदुस्तान के लिए तेज 100 विकेट लेने वाले, हैट्रिक विकेट टेस्ट में चटकाने वाले। और वही इरफान की यहाँ पर देखिए पहली गेंद को चौका खाने के बाद कमाल की वापसी यहाँ से, टोटल देखिए अभी भी रुका हुआ है। चार रन चलिए फिर से एक बार शॉट ऑफ पुल और इस बार भी सक्सेसफुल, छह रन पहला छक्का
देखिए शुरुआत कितना खराब रहा और उसके बाद अंजाम देखिए कितना बेहतर देते हुए बल्लेबाज चेतन देखिए वन डाउन के रूप में उतरे मैदान कीपर और वन डाउन के बल्लेबाज हमेशा रेड के हड्डी माने जाते हैं। देखिए जिस विराट का बल्ला नहीं चला अंतिम दो वनडे मुकाबले में और जिसके साथ हिंदुस्तान टीम ने पहला दो वनडे मुकाबला जीतने के साथ तीन वनडे मुकाबला हारा तो उसी तरह से यहाँ से देखिए वन डाउन के बल्लेबाज चेतन के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत छक्का और जिसके साथ जो दबाव बना हुआ था अभी तक बात करेंगे पिछले ओवर का जिस तरह के छह गेंद के बाद पूरी तरह से दबाव था लेकिन ये दो बड़ा ही इस दबाव को निकालता हुआ 10 रन टीम का टोटल। और इस बार देखिए हल्के से गेंद इन स्विंग देखने को मिला और लाइन बड़ा अच्छा पकड़ बनाकर रखे हैं क्योंकि गेंद टेनिस गेंद हमेशा उछाल भरा गेंद जहीर जी माना जाता है और जहीर भाई अगर वो गेंद अगर आपको छोटा थोड़ा भी लाइन मिलता है टेनिस गेंद में तो बल्लेबाज को आसान हो जाता है और शॉर्ट ऑफ पुल खेलना ऊपर कट खेलना क्योंकि अतिरिक्त उछाल से देखिए मैदान के अंदर अंपायरिंग के काम करते हुए रिजवान जी और उनके साथ खुद हमारे आयोजक जहीर खान जी यानी जहीर खान ट्रॉफी ये टूर्नामेंट का एक बड़ा नाम है। जिस टूर्नामेंट में मैं 2 साल पीछे जाकर देखो तो किरण पवार जिन्होंने एक हाथ से छक्के लगाए थे और आज 2 दिन का यहाँ पर टूर्नामेंट आज कल सुपर संडे आज देखते हैं कुल 12 टीम कौन सा टीम पहुंचेगा फाइनल तक। WTC के माध्यम से काफी सारे दर्शक इस मुकाबला को देख रहे हैं। देखिए मार्च का महीना है खास करके और थोड़ा सा दोपहर के समय खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होगा धूप का तेज गति बढ़ जाएगा और जहाँ से आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजी गेंदबाजी फील्डिंग हर डिपार्टमेंट को। और देखिए गेंद का लाइन थोड़ा सा खराब रहा लेकिन लेंथ बड़ा अच्छा था अगर ये गेंद लाइन पे होता तो फिर बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना सकता था क्योंकि ब्लॉकल का गेंद था और यॉर्कर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं रहता है आपको लाइन लेंथ दोनों को बरकरार रखना पड़ता है और यहाँ थोड़ी सी दिशा से भटके और एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया इसके साथ 14 रन। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार और इस बार देखिए गेंद बड़ा अच्छा लाइन लेंथ देखिए दो चीज है जहीर भाई क्या कहना चाहोगे दो ओवर का खेल समाप्त टीम का टोटल है 14 और आपको क्या लगता है यहां से कितना बड़ा लेना होगा 114 चार ओवर के मुकाबला में। बहुत अब तक कहा जाए तो एक तुम्हारी एक हमारी ऐसा और क्रिकेट चल रहा है क्योंकि पहले ओवर देखा जाए तो मेडन और फेंका लेकिन उसके बाद काफी अच्छे रन बने 14 रन बने और इस ग्राउंड के ऊपर 45 तक अगर पहुंचती है सीबीडी टीम तो अच्छा स्कोर कहा जाएगा। आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सेकेंड इनिंग्स में क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आपने कहा सुबह का सत्र है गेंदबाजों को ज़रूर मदद मिलेगी लेकिन ये ग्राउंड ऐसा है कि इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप टिककर बल्लेबाजी करें तो कितने भी रन चेस हो सकते हैं। तो चलिए जहीर भाई ने इतिहास बता दिया इस मैदान के क्योंकि वाकिफ हैं हमेशा टीम के साथ जुड़े रहते हैं टूर्नामेंट के साथ जुड़े रहते हैं और ये देखिए उनका अनुभव बताता हुआ और बड़ा छक्का यहाँ पर इंतजार था काफी समय से ओवर को लंबा बनाने का लेकिन पहला ओवर में छक्का आने के साथ टोटल देखिए आगे बढ़ता हुआ जिसे कहते ना वक्त के साथ इंसान का निगाह बदल जाती है तो उसी तरह की एक दो चौके छक्के लगने के साथ मैच का नक्शा बदल जाता है और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन 20 रन गेंदबाज तीसरा ओवर पहला गेंदबाज के लिए पहला बार ये देखिए जिलानी पटेल ये तो भाई वीडियो क्लिक आएंगे निश्चित रूप से जिलानी पटेल एक स्टार वे के लिए दरवाजा खटखटाएंगे इस कैच के साथ। जहीर भाई बड़ा अच्छा कैच आसान नहीं रहता है पॉइंट गली के पॉइंट में जो कैच जाता है देखिए इस जगह पे हम देखते हैं अच्छे अच्छे फील्डर है और 12 मैन रहना पसंद करते हैं लेकिन देखिए पॉइंट के फील्डर मोहम्मद कैफ युवराज सिंह हिंदुस्तान के बात किया जाए तो बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं और जहां इतना तेज गेंद निकलता है ना जहां कैच लेना इतना आसान नहीं रहता है और जिलानी पटेल बड़े खुश होंगे जब यूट्यूब के माध्यम से इस कैच को देखेंगे। देखिए उनके लिए 100 रुपया आता हुआ यहाँ से इम्बा पटेल की तरफ से क्या बात है जिलानी पटेल इम्बा पटेल देखिए बड़े नाम है काफी साल उन्होंने इम्बा 11 से डिंग डोंग वही के बीच में काम किए हैं और एक अच्छे टीम
और गेंदबाज है, देखिए यहाँ पर मुमरा की बात करेंगे तो सबसे पहले शहजाद शेख जी, उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जेर भाई एक अच्छे आवाज के हिंदी के बेमिसाल कॉमेंटेटर्स आकाश चोपड़ा जी की याद दिला देती है उनकी कॉमेंट्री। इस बार जुबिल ट्रॉफी में बिल्कुल आमंत्रण किए गए थे शहजाद जी उनकी तरफ से, पहले दिन वहाँ पर थे, तहदिल से उनका स्वागत। और यहाँ पर देखिए हमारे छोटे शहजाद स्कोरिंग के काम करते हुए, लेकिन उनका भी स्कोरिंग करने का अंदाज कुछ अलग है। और ये देखिए इस बार गेंद को खेले यहाँ पर गली के रीजन पर शॉर्ट गली तैनात है, एक रन आसानी के साथ है। तो अभी तक बात करेंगे जहीर भाई, ये ओवर ठीक ठाक निकलता हुआ, पहला गेंद के ऊपर छक्का आया और उसके बाद दूसरे पे विकेट से तीसरा वाइड, चौथे पे सिंगल और टीम का टोटल देखिए 22 लॉस ऑफ 2 विकेट से। अमूल देखिए अभी तक मैदान के अंदर हैं जहीर भाई, लेकिन से अभी तक उनके बल्ले से रन नहीं, कुछ अच्छा खासा रन नहीं, एक बतौर सलामी बल्लेबाज। और ये देखिए भाई लेट कॉट खेलना चाहते हैं, आपके पास वक्त इतना नहीं है, अब इस तरह के गेंद को अगर जाने दोगे विकेट कीपर के पास फिर आपके बल्लेबाजी के ऊपर परेशानी बनेगा। तो शायद क्या यहाँ पर जहीर खान, अगर बल्लेबाज रिटायर हट होना चाहते हैं जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्रिकेट में आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास मैचेस हो, उसमें कई मर्तबा 150-200 रन बनाने के बाद बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर जाता है। चलिए जेर भाई आपकी बातों से वाकिफ हूं, लेकिन यहाँ तो बल्लेबाज से ज्यादा रन नहीं बना, लेकिन रिटायर हेड लेते हुए और एक दमदार बल्लेबाज, देखिए एक लंबे कट के बल्लेबाज है। लेकिन बाबूशाह टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी जो कि बॉल्ड आउट होने के बाद स्टंपिंग या रन आउट होना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक नियम है कि आप रिटायर्ड हर्ट भी हो सकते हैं, आप जा सकते हैं ग्राउंड से बाहर। बिल्कुल तकलीफ है तो इसलिए तो रिटायर्ड हेड रखा गया है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि रन बनाओगे तो रिटायर्ड हेड, लेकिन आपको तकलीफ दिक्कत है तो आप जो नियम है वो रिटायर हिट कर सकते हो, लेकिन जो अभी अंतर्राष्ट्रीय में एक नियम बना इसलिए रिटायर हिट क्यों लिया जाता है जहीर भाई, देखिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में अभी आप रनर नहीं लेके जा सकते हो, अगर तकलीफ में हो तो आपको डगआउट पर जाइए, ये मैं कहूँगा इस हिसाब से एक अच्छा नियम रूल बना गया है। जब आप इतना तकलीफ में हो उसमें जोखिम लेना शायद टीम के लिए बेहद फायदामंद, मैं कहूँगा साबित नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी से दूर खेला गया गेंद को, लेकिन गेंद यहाँ पर जेर भाई बात करेंगे बल्ले पर नहीं आ रहा है, दिक्कत बनते जा रहा है, क्योंकि जब सेट बल्लेबाज एक आउट हो जाते हैं ना, जब तक देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी चेतन कर रहे थे, लग रहा था कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान है, लेकिन उनके आउट होने के साथ देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त और टोटल की बात करेंगे टोटल 23 रन। तो जेर भाई आपको क्या लगता है अंतिम ओवर में और कितना रन जोड़ लेना चाहिए? अंतिम ओवर की बात की जाए तो बाबूशाह कम से कम 12-13 रन आने चाहिए, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग है, 23 रन बने हैं पहले ओवर में डम जाने के बाद, दूसरे ओवर में 14, तीसरे ओवर में 9 रन बने, तो कुल मिला के 23 रन हो चुके हैं। आप यहाँ से अगर 10-12 रन बनाते हैं तो मुकाबले में काफ़ी मज़ा आ सकता है। चलो जहीर खान, अगले मुकाबले के टॉस के लिए जो टीमें दो है उनको भेजना है, यहाँ पर पनवेल की टीम है, ओवा की टीम है, दोनों टीमें कप्तान सीधे यहाँ पर आना है टॉस के लिए। चलिए यहाँ पर पनवेल से ओवा के बीच में हाफ ओपन मुकाबला है, कई सारे स्टार देखने को मिलेंगे आज। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरफ से आरसीसी 11 सीबीडी टीम के स्टार, दूसरी तरफ बुमराह से। देखिए अभी तक बात करेंगे ना जहीर भाई, सिविल 11 बुमराह टीम ने टॉस जीतने के साथ जो गेंदबाजी फासला लेते ना, शायद उनके गेंदबाजों ने इस विकेट कीपर बेहतर काम कर चुके हैं, कई सारे एक चौके छक्के खाए हैं, महंगा रहा दूसरा ओवर और उसके बावजूद भी कहूँगा अच्छा गेंदबाजी देखने को मिला, लेकिन से आने वाला जो उनके बल्लेबाज है जब उनके सामने, मैं कहूँगा इतना बड़ा लक्ष्य तो नहीं होगा, लेकिन से क्रिकेट में कहते हैं ना कोई भी लक्ष्य को छोटा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ आप ओपन मुकाबला में आप भी जहीर भाई देखते होंगे हमेशा गेंदबाजी काफ़ी हावी होते हैं, बल्लेबाजी के लिए मुश्किल होता है, बल्लेबाज चले तो खूब चले नहीं तो घर की तरफ चले। ये देखिए यहाँ पर जैसे विकेट गिरता हुआ चौथे ओवर अंतिम ओवर में, कोई भी टीम नहीं चाहता है विकेट गिरे, कोई भी टीम चाहता है चौके छक्के लगे, लेकिन ये सब चीज़ यहाँ से मुश्किल। टीम का टोटल देखिए अभी भी रुका हुआ है 25 के ऊपर, 25 रन हो चुके, लेकिन बाबूशाह आपने शायद अपने गन घर पे बुलाए, क्योंकि अब डो 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 अभी तक एक भी नहीं, एक छक्का लगा था
फिर भी आपने फायरिंग नहीं की। चलिए AK-47 जेर भाई के अंदाज है, क्योंकि वो हथियार उठाना होगा कहीं इतना दुश्मन के ऊपर जब बड़ा हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना पड़ता है। तो ये AK-47 ना शुरुआत में लगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि आज दिन भर काफी लगेंगे उस्मान पटेल जो अच्छा AK-47 उठाना जानते हैं, जो कि छक्के की, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए मैदान पर काफी दर्शक होते हैं। आप देखिए उपद मुकाबला में इस साल तो बात करेंगे ग्रामीण के लिए उन्होंने कम काम किए हैं तलोजे के लिए, लेकिन उपन में जाकर बड़े अच्छे काम किए। और देखिए इस बार गेंद को खेला गया, जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 2 रन लेते हुए, क्योंकि पहले से उन्हें 1 रन, जो नियम कंपलसरी चेसिंग मेरे हिसाब से ही नियम ज्यादातर होना चाहिए। और ये करीबी मामला नहीं, काफी दूर रह गए, ये तो अंपायर को देना काफी आसान थे। और जहीर भाई देखिए यहाँ पर धीरे धीरे विकेट गिरता हुआ, और हमारे जहीर खान ट्रॉफी हम देख सकते हैं आयोजन कर थोड़ी से परेशान है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं टीम देर से आ रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, और ये पूरे आयोजनकर्ताओं के ऊपर पूरा जिम्मेदारी होता है पूरा दिन भर का खेल को समाप्त करने के लिए, कौन सा टीम कहाँ पहुंचा। देखिए घूम कर देख रहे हैं, इसलिए वो लगातार स्क्वायर लेग अंपायर कर रहे हैं। और ये देखिए भाई दोनों बल्लेबाज के बीच में एस नो तोतु मेमे, लेकिन आखिर कार्रवाई के रूप में 1 रन, जो चीज आखिरी समय में कम देखा जाता है निचले क्रम के बल्लेबाज से उम्मीद किया जाता है, लेकिन से यहाँ पर उसी तरह से देखिए अच्छी गेंदबाजी गुड्डू और टीम का टोटल देखिए 29 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, आधी टीम घर वापस। राहुल उल्वेकर जी हैं और उनके साथ में उनके कैमरामैन हम देख सकते हैं अजय सुशांत, अजय सुशांत राहुल उल्वेकर जी शैलेश भूर जी हम देखते हैं डंबोली थाने से, एक बड़े अच्छे उनके इस बार एकत्र एक ताकत WTC को एक वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट से बेहतर अंजाम देते हुए वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट बात करेंगे स्वर्गीय रतन वर्ल्ड ट्रॉफी में देखने को मिला नीलजे मकर संक्रांति ट्रॉफी, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में इस बार कवर किया गए हैं। और चलिए इसके साथ वही टीम के कप्तान से और पनवेल टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, टॉस के लिए आइए क्योंकि वक्त मत लीजिए, यहाँ से 4 ओवर का मुकाबला है, टारगेट भी इतना बड़ा नहीं है, और टोटल बात करेंगे यहाँ पर 30 रन, 31 रनों का टारगेट है, और इस 31 रनों की टारगेट को कैसे हासिल करते हैं ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा, लेकिन उससे पहले टॉस के लिए गुजारिश करना चाहेंगे। आज दिन भर हमारे साथ में जुड़े रहेंगे जहीर भाई और अशरफ जी पटेल, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इम्बा पटेल से। देखिए कभी भी मैं देखता हूँ स्टार हुए या हुए या जैसे जहीर खाइना ट्रॉफी लीजिए, जब भी सरजमी के ऊपर कोई भी टूर्नामेंट होता है हमें याद किया जाता है, और काफ़ी फ्रेम निश्चित रूप से इसे इलाके सरजमी पे आकर मिलता हुआ, और तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिलानी पटेल देखिए कैच लिए, आज मैच के बाद जाके देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से कैसे कैच लिए, और 100 रुपये का इनाम भी आया है इम्बा पटेल जी की तरफ से जिलानी पटेल। चलिए आउटस्टैंडिंग कैच, चलिए पानी के देखिए यहाँ पर बिस्लेरी काफी तो खर्च होगा, लेकिन स्मात्रे आ चुके हैं क्योंकि इसके बाद उनका मुकाबला खेला जाना है। पानी लेके जाइए ग्राउंड के अंदर,
जहीर भाई, टीमें कहाँ है, कौन सी टीम है वो? पनवेल, आपके टीम के कप्तान को भेजिए यहाँ पर। पनवेल टीम प्लीज कम टू कॉमेंट्री बॉक्स। अगला होने वाला मुकाबला पनवेल बनाम ओवा के बीच में। पनवेल टीम तो आ चुकी है लेकिन ओवा टीम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जो भी टीम लेट आती है उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखे आयोजकों की ओर से। जिस तरीके से हमें सूचित किया गया है कि जो भी टीम लेट आएगी उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। चलो पनवेल टीम, टॉस के लिए आपको यहाँ पर आना है। और ओवा मुकाबला शुरू करा ले। अंपायर रिजवान भाई, जिनका काफ़ी अच्छा योगदान, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आयोजक की भूमिका में हम देख सकते हैं रिजवान भाई और जहीर खान को। चलो जहीर भाई, टाइम पास, बगैर टाइम पास के मुकाबला शुरू कराना है। सुजीत शिंदे गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। तो सलामी की जोड़ी इस वक्त स्टेकर बल्लेबाज इरफान और नॉन स्टेकर बल्लेबाज इरशाद। इरफान और इरशाद की जोड़ी इस वक्त हम देख सकते हैं बीच मैदान के ऊपर। रन बने हैं 30 और 31 रन को जो टारगेट रखा है, कंपलसरी चेसिंग का नियम। चलो रिजवान भाई, पनवेल टीम यहां पर आ चुकी है तो टॉस के लिए आना है पनवेल टीम के कप्तान ने। ओवे टीम के कप्तान को भेजना है जहीर खान यहां पर। इरफान ने बहुत ही अच्छी कलाइयों के सारे इस गेंद को मोड़ दिया। गेंद जाती हुई स्कोर लेग से मारे का बाहर, पहली गेंद के ऊपर काफी अच्छी शुरुआत। अंपायर रिजवान भाई का इशारा हो चुका है, गेंद से मारे का बाहर, चार रन। ओपन हाफ है, कहां से भी आप खिलाड़ी ला सकते हैं। तो अगले मैचेस में काफी स्टार कास्ट देख सकते हैं बाबूशाह आप, काफी नाम और खिलाड़ी देखने को मिलेंगे इस श्रृंखला में, क्योंकि 12 टीमें हैं। 12 टीमों में कोई भी कहां से भी खिलाड़ी ला सकता है। एक रन हल्के हाथों से इस गेंद को पुश कर दिया, गेंद जाती हुई गली और शॉर्ट टर्मेंट के बीच में। बल्लेबाज के पास समय था एक रन बनाने का और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन। 31 रनों का जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को अगर आपको बचाना है तो लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी हुई। पहले पावर प्ले में कम से कम रनों में रोकना होगा। और इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ के ऊपर टप्पा खा के एक्स्ट्रा बाउंस लिया, एक हल्का सा बाउंस लिया गेंद ने, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लोव्स में। बगैर गलती करते हुए विकेट कीपर ने इस गेंद को अंजाम दिया, गेंद डॉट के रूप में स्कोर वही जगह पर रुका हुआ 5 रन। कि ओपन हाफ के मुकाबले में हमेशा आपको गेंदबाजी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखिए YouTube के माध्यम से कई सारे दर्शक कि उस्मान भाई का मैच कभी है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मैच है जिसका टॉस किया जाएगा। सुहान पटेल फिर से एक बार इस मैदान के ऊपर होंगे। बाबूशाह पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद ऐसा लग रहा था कि रन अच्छे बनेंगे इस पावर प्ले के ओवर में, लेकिन गेंदबाज ने क्या गेंदबाजी की, क्या वापसी की, जबरदस्त कमबैक देखने को मिला। तो चलिए पहला ओवर का खेल समाप्त, टीम का टोटल 7 रन। चलिए टॉस उड़ा कर लीजिए। चलो टॉस होने जा रहा है पनवेल और ओवा के बीच में। अगला होने वाला मुकाबला बिग फाइट मुकाबला, सुनील भोईर के हाथों से टॉस होगा। दोनों टीमों के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। टीम का स्कोर पहली ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। सीरीज बने निकेश मात्रे, इस साल अच्छा रहा स्टार हुए की टीम के लिए। जहीर भाई बात करेंगे, अगर पिछले साल देखिए जाकर स्टार हुए टीम, इसलिए देखिए हर साल
इंसान का वक्त समय बदल जाता है और कहते हैं सबर का फल हमेशा मीठा रहता है। चलिए पटमिल टीम ने टॉस जीतेंगे, वाडी शेड टू फर्स्ट बॉल। तो यहाँ पर उस्मान पटेल का बल्लेबाजी पहले देखने को मिलेगा। यकीनन यकीनन उस्मान पटेल है, केतन मात्रे है वॉकलैंड के, जीत भोईर, काफी बड़ी टीम यहाँ पर ओवे टीम ने जमा की है। चलिए भाई यहाँ पर थाने के टाइगर निश्चित रूप से केतन जीत भोईर जिनके नाम गाड़ी की शोरूम जाकर देखिए वॉकलैंड के सर जमी के ऊपर जाहिर भाई फोर व्हीलर लीजिए टू व्हीलर लीजिए और अभी तक देखिए यहाँ पर बल्लेबाज के लिए मुश्किल बनाते हुए सरदर्द बढ़ेगी यहाँ से क्योंकि ये जो डॉट गेंद है ना आपके लिए काफी मुश्किल बनाएगा। जैसे कहते हैं ना भाई सांप से दोस्ती करो तो अक्सर सपेरा से खतरा, तो उसी तरह की डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आगे केतन मात्रे का नाम लेते लेते हैं। देखिए यहाँ पर वाइट का इजाफा, शायद यहाँ कुछ सीरीज नहीं है गाड़ी, नहीं तो केतन मात्रे के नाम नो डाउट है क्योंकि मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ जब जोएली पर अगला साल टूर्नामेंट आएगा जहीर भाई वो फोर व्हीलर पर पहले से नाम लिख कर आ जाइए केतन मात्रे, क्योंकि बैक टू बैक देखिए दूसरा साल और वही टीम और वही रिप्ले। और ये देखिए भाई गेंद को इस बार उठाकर खेले हवा में, गेंद कुछ समय बातचीत करता रहा लेकिन आखिरकार फील्डर की गोद में पहुंचता हुआ एक आसान भरा कैच। और जहीर भाई देखिए पर 31 रनों का टारगेट कितना मुश्किल बनते जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा खराब क्रिकेट माना जाएगा। देखिए गेंद में कोई इतना खराब ही नहीं था लेकिन कहूंगा बल्लेबाजों ने जो शॉट सिलेक्शन बनाया उसमें थोड़ा सा खराबी दिखाई दिया। उस्मान खान आए नए बल्लेबाज, तो बाबूशाह अब यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत हुई थी पहली गेंद के ऊपर चौके की लेकिन उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने यहाँ पे प्रभावित नहीं किया, अच्छे बल्लेबाजी नहीं हो सकी है, एक के बाद एक डॉट गेंदे, उसी कारण थोड़ी टीम अब दबाव में आ चुकी है। टोटल देखिए अभी भी 8 के ऊपर रुका हुआ है, पहला ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था 7 रन, तो अभी इस ओवर में देखिए बल्लेबाजों ने 1 रन जोड़े हैं। तो ऐसी कुछ हालत हम दूसरी तरफ भी देखे थे जब इनिंग का शुरुआत हुआ था, पहला ओवर मैडन ओवर था, उमर ने मैडन ओवर की गेंदबाजी की, तो उसके बाद जो दूसरा ओवर में जो 14 रन आया था कहीं ना कहीं लेने के पाकिस्तान के सलमान बट यूनुस खान मोहम्मद यूसुफ बिल्कुल 3 बल्लेबाज को चलते किए थे। कुलदीप यादव देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में, चेतन शर्मा उनके बाद पहले नाम आता है। और यहाँ देखिए भाई 1 रन इस ओवर में 8 रन, तो 31 रनों का टारगेट है। तो जहीर भाई आपको क्या लगता है यहाँ से कोई उम्मीद है कि इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको ओपन हाफ में हमेशा जो 4 के 4 गेंदबाज रहते हैं ना वो सब एक ही दिशा के गेंदबाज रहते हैं, एक ही कट के रहते हैं, कोई किसी से कम नहीं होंगे। चलिए YouTube के माध्यम से दर्शक यहाँ से थोड़ी से उन्हें भी मजा आ चुका होगा जहीर भाई, क्योंकि 8 रन देखिए यहाँ पर 31 रनों का टारगेट, तो जीत की बात करेंगे अभी भी 23 रनों का जरूरत है। और ये देखिए बल्ले का बड़ा हिस्सा यहाँ पर और एक विकेट गिरता हुआ और लगातार देखिए यहाँ पर 4th विकेट है, क्या कहना चाहोगे जहीर भाई? काफी खराब बल्लेबाजी कहना चाहूंगा बाबूशाह मैं, क्योंकि अब सिर्फ 30 और 31 रनों का टारगेट था, पहली गेंद के ऊपर 4 आया था, संभल के खेलने का काम था, तो किसी भी बल्लेबाज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई बाबूशाह। बिल्कुल जहीर भाई आपकी बातों से वाकिफ हूं लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी भी हो रही है उनका भी तारीफ सराहना होना चाहिए। लगातार देखिए 4th गेंद के ऊपर विकेट से शायद जो राहुल ने 3 विकेट निकालने के साथ और उस ओवर में उन्होंने कुल 4 विकेट हासिल किए। और यहाँ पर देखिए मनीष यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर उन्हें विकेट मिलता हुआ, पहला गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ, अभी भी 5 गेंद उभर का, अगर ये 5 गेंद उसी तरह की कहानी दोहरा दिए ना कहीं जो पिछले ओवर राहुल ने किए तो फिर मैं कहूंगा हालत बहुत मुश्किल बन जाएगा यहाँ से। और ये देखिए भाई यहाँ पर शॉट ऑफ फुल यानी सक्सेसफुल, वो तो दबाव निकला होगा और दबाव के साथ साथ जो ये फिर से एक बार जीत का उम्मीद जागा होगा, 4 रन चौके के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 12 रन, तो जीत की बात करेंगे अभी भी 19 रनों का जरूरत है, अभी भी 19 रनों का जरूरत है आने वाला 10 गेंद के ऊपर। और ये ओवर के 4 गेंद मैच का कर देगा पर्दाफाश,
क्योंकि ये चार गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने कुछ रन बना लिए तो फिर उम्मीद जाग जाएगा। अगर ये चार गेंद आगे का अच्छा हो गया तो फिर से जिस तरह से यहाँ पर हम पिछले कुछ ओवर से देख रहे हैं रन बनाना मुश्किल हो रहा है। देखिए चौके दागे बल्लेबाज सबू सातवां नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए और इस बार कॉपर के ऊपर से खेला गया। एक्स्ट्रा कॉपर पर फील्डर है, एक रन लिए दूसरे के लिए और तेज थ्रो, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं रहा। ओ ये देखिए भाई ओवर थ्रो क्या पंजा या छक्का दे दिया यहाँ पर छक्का, क्योंकि बल्लेबाज अपना लाइन क्रॉस कर चुके थे दूसरे के लिए भाग रहे थे और जहीर भाई मैं कहूंगा ये तो बहुत बड़ा तोहफा दे दिए, बहुत ही बड़ा तोहफा बाबूशा बिन मौसम बरसात वो भी रनों की। चलिए भाई आपने तो यहाँ पर छक्के दे दिए ओवर थ्रो, लेकिन बल्लेबाजी के खातों पर जाएगा ये छक्का बगैर एके 47 से लगा दिए निशाना। देखिए यहाँ पर छक्के के लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा हिट खेलना पड़ता है, जोखिम भरा भी हो सकता है उस ओवर, लेकिन यहाँ देखिए कवर के ऊपर से खेले थे, हवा में कुछ समय रहा लेकिन एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने ओवर थ्रो थोड़ा सा खराब रहा और कोई पीछे कवर नहीं किए फील्डर और ये कामयाबी भुगतना पड़ा। तो चलिए अभी भी 13 रनों का जरूरत है और इस बार भी बल्ले का हिस्सा और देखिए किस्मत मेहरबान तो फिर कोई भी पलवान बन सकता है और यहाँ पर देखिए चौका आता हुआ और जहीर भाई देखिए दो गेंद के ऊपर मैच का हालत नक्शा कैसा बदलता हुआ। लेकिन बाबूशाह अंतिम तीन गेंदों के ऊपर 14 रन आ चुके हैं। आपने देखा कि पहले गेंद के ऊपर 14 आया था लेकिन उसके बाद सबू देखिए सबू यहाँ पर नीचे आए बल्लेबाजी के लिए, शायद ऊपर के बल्लेबाजों ने उनके कर नहीं पाए वो काम और कहते ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा वही रुलाती है सबसे ज्यादा, और जिन बल्लेबाजों ने यहाँ पर रुलाया शुरुआत में शायद उनके आंसुओं की कदर को बेहतर अंजाम देते हुए यहाँ से सबू अभी तक देखिए दो चौके एक छक्के और एक देखिए कमाल की टाइमिंग, शायद कहूंगा इससे तो चौका तो नहीं मिलेगा लेकिन उम्मीद बड़ा जागेगा, कॉन्फिडेंट काफी बढ़ेगा इस तरह के अगर गेंद बल्ले से आ जाए तो। देखिए दो डगआउट भी किया गया है खिलाड़ियों के लिए, काफी अच्छे इंतजाम जहीर खान ट्रॉफी में और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इस ओवर में काफी कुछ कहानी देखने को मिला। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 23 रन, तो अभी 8 रनों का जरूरत है आने वाला 6 गेंद के ऊपर, तो अभी कोई भी टीम यहाँ पर मुकाबला जीतेगा ये सब कहना मुनासिब नहीं जहीर भाई, लेकिन से एक उम्मीद जाग गया है पिछले ओवर जिस तरह के रन आया यहाँ पर देखिए जिसमें 2 चौके 1 छक्के वो भी छक्के ओवर थ्रो से, जो यूट्यूब के माध्यम से भी दर्शक देख रहे होंगे शायद खास करके उनके समर्थक निराश होंगे जिस तरह के यहाँ से रन खर्च किया गया आरसीसी 11 सीबीडी टीम की खिलाड़ियों ने, शायद उनके बल्लेबाजों ने कहूंगा रन तो इतना बड़ा नहीं बनाए थे, बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन एक लड़ने का स्कोर था, इतना इंसान अगर लंगड़ा हो जाए तो अपाहिज हो जाए तो जहीर भाई इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ने का ताकत खो देता है, तो 31 रन बनाने के साथ ऐसा नहीं, उन्होंने लड़ने का ताकत जोश जज्बा जुनून दिखाए लेकिन एक ओवर थ्रो मैच का हालत नक्शा बदल दिया। देखिए वहां पर अगर 6 रनों की जगह अगर 2 रन मिलता तो फिर हालत अभी ये होता कि 6 गेंद 12 रन, लेकिन अभी क्या हो गया 6 गेंद 8 रन और अगर इस तरह की गेंदबाजी मुझे लग रहा है जहीर भाई इस ओवर में काफी कुछ होने वाला है, क्योंकि तो जो गेंदबाजी की लाइन देखकर मुझे लग रहा है कि ये गेंदबाज अभी ले जाएंगे आखिरी अंतिम 1-2 गेंद तक ले जाएंगे। बेलपाड़ा से विलंब करते हैं अविनाश, देखिए उस्मान भाई रत्नागिरी ट्रॉफी से ये सीरीज वाइक लेकर आए और जिसके साथ कहते हैं ना मैन ऑफ द सीरीज की गाड़ी चढ़ने का कुछ मजा ही कुछ अलग रहता है जहीर भाई, शायद आपके पास करोड़ों का गाड़ी हो लेकिन जो आप क्रिकेट से कहते ना संघर्ष करके आप लड़ाई करके मैदान जंग लड़कर जब कोई चीज को हासिल करके आते हो ना वो मजा आता है वो चीज में, तो उसी तरह के उस्मान भाई को ये गाड़ी से काफी मजा आता होगा क्योंकि मेहनत की है काफी, कमाल के बल्लेबाजी तेज अर्धशतक लगाए थे, यूट्यूब के माध्यम से हम भी उस मैच का आनंद ले रहे थे, हमारे साथ साथ कई सारे
देखिए आज भी YouTube के माध्यम से चलिए जहीर भाई, और ऑनलाइन दर्शक पूछ रहे हैं कि उस्मान भाई का मैच कभी है, एक ही सवाल उठता रहता है हर टूर्नामेंट में। यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से उस्मान पटेल ने टेनिस क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया है और इतनी फैन फॉलो किसी भी क्रिकेटर की नहीं टेनिस क्रिकेट में जितनी कि उस्मान पटेल की है, और एक अच्छे इंसान भी है वो, एक नरमदिन इंसान है, छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं, उसी कारण आज उनका जो नाम चल रहा है टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसी तरीके से उनका रवैया रहता है, इज्जत देते हैं हर इंसान को। दुनिया में आप जो दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा, चाहे वो इज्जत हो या बेइज्जती हो। नहीं बिल्कुल जहीर भाई, एक बात है कि आप खुद की जितनी भी तारीफ कर लो, दूसरे की बुराई मत करो, तो उसी तरह के उस्मान भाई हमेशा दूसरे की इज्जत रेस्पेक्ट, ये अच्छी बात है, एक अच्छी इंसानियत की पहचान है। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है, और ये देखिए वाइड का इजाफा, चलिए यहाँ पर गुड्डू बल्लेबाजी के लिए हमारे जहीर भाई के मामा निश्चित रूप से तौशिफ भाई, जहीर भाई पूरे स्टार हुए, एक के मामा होते हैं तो पूरा इलाके मोहल्ले के। और ये देखिए टोटल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और काम और थोड़ा मुश्किल बनता हुआ। तो अभी यहाँ से देखिए 2 गेंद 4 रन जहीर भाई, ऐसी कुछ हालत कल पारगांव के मैदान के ऊपर था, दापोली बनाम वेताल चांबरली के बीच में, 2 गेंद के ऊपर 5 रनों का जरूरत था, जहां से वाइड गेंद निकला मौका बन गया, और आखिरी गेंद के ऊपर बल्ले का थोड़ा बाहरी हिस्सा लिया, फर्स्ट स्लिप तैनात था लेकिन सेकेंड स्लिप से निकलता हुआ गेंद 4 रन। और जिससे विशाल जितेकर तो हमेशा आप देखते होंगे नाराजगी रहते हैं खिलाड़ी के प्रदर्शन से, नाराज हुए और होना ही चाहिए जब आपको वहाँ पर 5 रन और 9 विकेट जा चुका है, और जब 10वां 11 नंबर का बल्लेबाज वो रन जोड़ लेते हैं ना, देखिए यहाँ से भी 2 रन जोड़ लिए, अभी 1 गेंद 2 रन, क्या यहाँ पर गुड्डू मामा अशरफ भाई आपकी काफी कमी। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल मैदान के ऊपर देखेंगे और कमेंट्री करेंगे अशरफ पटेल और बाबू शाह, लेकिन जो भी टीम यहाँ पर जीतेंगी कहीं नहीं जाना है, ये ध्यान में रखना है, जो भी टीम जीतेगी आपको यहाँ पर ही रुकना है। चलिए जो भी दो टीम मुकाबला जीतेगा आपको दोपहर का खाना नहीं, दूसरा मैच के लिए खेलना होगा, जो अगला मुकाबला जब जीत हार होगी जो दोनों टीमों के बीच में। लेकिन बाबू शाह आतिक पटेल की भी काफी बड़ी साइड है, लेकिन यहाँ पर हार चुकी है मुमरा की टीम और जीत चुकी है सीबीडी की टीम। क्या मुकाबला बाबू शाह हुआ, अंतिम गेंद तक मुकाबला चला, ऐसा लगा कि मुकाबला आसानी के साथ मुमरा की टीम जीतेगी, लेकिन खराब परफॉर्मेंस था और जिलानी काफी नाराज होकर वापस लौट रहे हैं, जिलानी का टेंशन बढ़ चुका है। चलो पनवेल टीम अपने फील्ड सजा ले, पनवेल टीम। चलिए जहीर भाई मैंने ये बात कहा था कि 31 रनों का टारगेट है, लेकिन ओपन हाफ में हमेशा गेंदबाजी हावी हमें देखने को मिलता है, और वही चीज देखने को मिला, और उन्होंने बता दिए कि भैंस ने पूछ ऊपर उठाया तो ये मत सोचो दूध देगी गोबरी भी दे सकती है, तो उसी तरह के 31 रन बनाने के साथ उन्होंने संघर्ष दिखा दिया। आतिक पटेल भी आ चुके, काफी बड़ी टीम है उनकी, आतिक पटेल की भी उस टीम में भी हम देख